हिल क्लाइंबिंग टेस्ट शुरू हो चुका है हम लोगों का। एंड देखो ये देखो ये फैट बाइक को लेकर चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे गाइस आज हम लोग करने वाले बहुत ही एक डेंजरस टेस्ट, मतलब इधर पे देख सकते हो अपना फैट बाइक रहा इधर पे, एंड एम के भाई का एम टी बी प्लस एम के भाई भी आ रहा है इधर से। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस साइकिल का एंड इस साइकिल का एक टेस्ट, और टेस्ट होने वाला है मतलब हिल क्लाइंबिंग टेस्ट, छोटा मोटा हिल क्लाइंबिंग टेस्ट होगा। और इसमें बहुत कुछ आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आप सभी लोगों को फैट बाइक लेना चाहिए या फिर एमटीवी। तो गाइस इसके लिए अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए फुल वीडियो को वैसे वॉच करना बिना स्किप के, और देखते रहो हम लोग भी चलते हैं, मस्त राइड भी होगा साथ में टेस्ट भी होगा। तो आप लोग बस वीडियो बनाओ एंड चलो निकालते हैं। तो फाइनली गाइस निकल चुका हूँ आज का व्लॉग बनाने के लिए, एंड चलो व्लॉग का शुरुआत करते हैं छोटा मोटा सा व्हीली से। छोटा मोटा व्हीली मार के निकल चुका हूँ इधर से, मतलब छोटा सा पॉपअप था बस। एंड गाइस आज जो आप लोगों को एक सरप्राइज भी रिवील कर दूंगा, एंड वो वाला सरप्राइज देखने के बाद ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। और वैसे गाइस आज जो है मतलब बाजार पे थोड़ा बहुत भीड़ कम है, तो आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि भीड़ रहते हैं तो हम लोग मतलब फुल्ली तवाई मचा के जाते हैं। और एक गाइस चीज, मतलब मेरा पैर पे पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो काट रहे, कहीं पर रोक कर देखना पड़ेगा। ओए ब्रिज पे रोक जाना, ठीक है? हाँ हाँ। और पीछे से पता नहीं कौन था बोल रहा था ए राइडर बोल के। और अभी चलो इधर से चलते हैं ब्रिज पे जाकर रोकते, क्योंकि मेरा पैर पे पता नहीं एक भाई बोल रहा था बाइक बाइक करके। भाई साहब क्या पब्लिक रिएक्शन आते हैं भाई सच में इस साइकिल को लेकर जब निकलता हूँ। अभी ब्रिज पे रोकते हैं, देखते हैं मेरा पैर पे क्या हुआ, और सरप्राइज भी अभी रिवील कर देंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना गाइस। हाँ पैर पे पता नहीं क्या काट रहे इसलिए रोक गया। और गाइस सरप्राइज जो है आप लोग देख सकते हो, चलो रिवील करता हूँ अभी। खोल इसको, इसको खोल, अरे खोल ना। देखो गाइस अभी सरप्राइज रिवील करूंगा आप लोगों के सामने, इसको खोल, ये चेक करो गाइस, एकदम नारिकल नारिकल देख रहे हो ना गाइस, समझ में आ रहे हैं ना एकदम चमोलोक्को गाइस। ये सरप्राइज था, मतलब एमके भाई ने डेंजरस से हेयर कट कर दिया, और एक दिन इसका पब्लिक रिएक्शन भी लेंगे विदाउट हेलमेट। ये आर्मी हेयर कट नहीं है भाई, ये एकदम नारिकल नारिकल है अभी। और हवा अभी देखते हैं बंदे का टायर पे हवा कम होगा शायद। हाँ वो तो भाई लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, और विंटर का सीजन में मतलब हवा चल जाता है ऑटोमेटिक। और सरप्राइज भी रिवील कर दिया, चलो इधर से अभी मस्त लीन मारते हैं चलते हैं, क्योंकि हवा डालने के बाद ही टेस्ट होगा, नहीं तो इसका टायर पे हवा कम रहेगा तो भाई ये मतलब टेस्ट पे मतलब अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं करेगा। चेक दिस आउट गाइस, क्या लीन है भाई साहब। इधर से चलते हैं हवा डलवाते हैं। बस आप लोग देख सकते हो एमके भाई अभी इस पे हवा भी डलवा रहे हैं, डलवाते हैं इसके बाद निकलते हो जाएगा रे, ज़्यादा हो चुका है। तो फाइनली गाइस हवा डलवाना हो चुका है कंप्लीट, एंड अब भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा ये एमटीवी, एंड अपना फैट बाइक पे भी हवा अच्छा खासा हो रखे है, तो दिक्कत नहीं, आराम आराम से करेंगे। पर इसका चेन में तो दिक्कत आ रहा है, और चेन जो है मतलब कुछ दिन में आ जाएगा, वो हम लोग फाइनली ऑर्डर भी कर दिए, तो ये भी सरप्राइज था। और पहले जो सरप्राइज बोला था वो वैसे ऐसे ही मतलब मजाक किया था, जाने दे जाने दे जाने दे। इधर पे एक छोटा मोटा सा व्हीली, सो गाइस अभी देखते हैं बंदा बोल रहा है कि व्हीली वगैरह मारेगा, ये देखो पॉप अप मार दिया पीछे से मेरे को ठोक देगा बंदा ना भाई, आप पे व्हीली मार रहा हूं दिखा दे, ये देखो आप पे बंदा व्हीली मार रहा है वैसे, आ जाओ। एनर्जी तो लॉस हो चुका है, एनर्जी के भाई चेक करो कैसे जा रहे हैं बम्पिंग करके, ये देखो दिखाई दे रहे हैं ना बंदे का सस्पेंशन को ठीक कर रहे भाई। और इधर पे देखो समझ रहे हो ना क्या चल रही है। तो वैसे का चलो हम लोगों का डिस्टिनेशन पर आ ही चुके हैं, एंड अभी चलते हैं आराम आराम से। सबसे पहले चेक करो हम लोग अभी इधर से होकर ये वाला जो हिल क्लाइंब दिख रहा है, बहुत ही स्मूथ सा रोड है, इधर पे अभी टेस्ट करने वाले हैं फैट बाइक एंड अपना एमटीबी का हिल क्लाइंबिंग टेस्ट। तो आप लोग बस वीडियो पे बने रहो एंड चलो, एंड अभी चलो इधर से उठते आराम आराम से, बहुत ही स्लो जाएंगे क्योंकि टेस्ट करना है तो स्लो ही जाना पड़ेगा। हिल क्लाइंबिंग टेस्ट शुरू हो चुका है हम लोगों का, एंड देखो ये देखो मतलब एमटीबी कैसे आगे जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, एंड अपना फैट बाइक स्लो हो चुका है पर उठ तो रहे है। इधर पे देखो बहुत ज़्यादा पावर भी लग रहा है,
और देखो बहुत ही मेहनत लग रहे है, पर दोनों एक साथ में उठा नहीं, मतलब पहले कौन उठ गया था, ये देखो MTB दिखा दे रहा। तो अभी राइडर को चेंज करके देखते क्या होते, तो फिर डाउन उतरना पड़ेगा, चलो सीधा डाउन उतर दे, इसके बाद ही मिलते। तो फाइनली गाइस राइडर भी चेंज हो चुका है, अभी आ चुका हूँ मैं MKY की साइकिल पे, एंड चेक करो इधर पे, फिर भी फेडबैक पीछे ही रह गया। MTB सबसे पहले उठ रहे, ये देखो पर बंदे का चेन पे क्रैकर मर रहे, और ये चेक करो मैं उठ चुका हूँ अभी फाइनली, एंड ये देखो MKY भी आ चुका है पीछे पीछे। तो वैसे गाइस टेस्ट हो चुका है खत्म, एंड राइडर चेंज करके भी टेस्ट किए थे, मतलब मैं तो सोच रहा था कि फेडबैक क्यों नहीं उठ रहे, ऐसा भी हो सकता है मैंने उंगली मार दिया था, मेरा पावर खत्म हो गया था इसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है गाइस, मतलब सीन ऐसा है कि फीडबैक को लेकर चराई चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और गाइस बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फीडबैक अच्छा नहीं है, फीडबैक अच्छा नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल ये बात नहीं है, फीडबैक अच्छा है गाइस, फीडबैक अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, MTB भी अच्छा है, पर ये दिक्कत है कि फीडबैक अगर चलाओगे तो आप लोगों का स्टेमिना बहुत ज्यादा लॉस होगा, साथ में बहुत ज्यादा पावर भी लगेगा, एंड गाइस पब्लिकेशन भी बहुत ही खतरनाक सा आएगा। हाँ यही दिक्कत है कि आप लोग अगर रोड पे लेकर चलोगे ना इसको, लोग बस घूमते घूमते देख कर रह जाएगा आप लोगों, एंड अभी ये बोलता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों का मन में ये डाउट रहता है कि फीडबैक को लेकर हिल क्लाइंबिंग कर सकते हैं, चढ़ाई चढ़ सकते हैं, राइड कर सकते हैं क्या, हाँ गाइस सब कुछ कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगता है, जितना में मतलब छोटा साइकिल जैसे कि ये MTB छोटा है टायर इसका, तो ये आसानी से उठ जाता है, पर फीडबैक का टायर बहुत ही ज़्यादा मोटा है, इसके लिए टाइम लगता है, पावर लगता है। और ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों साइकिल ठीक ठाक है, अच्छा है, एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, यही है कि फीडबैक अच्छा है, चढ़ाई चढ़ सकते हैं, पर टाइम लगता है इतना ही बात, और थोड़ा बहुत पावर लगता है। और गाइस ये टेस्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोगों का मन में डाउट था, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो उनका डिमांड में ये वीडियो बना हुआ है, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और जिन जिन लोगों को और भी अगर कुछ चाहिए तो कॉन्टेंट फीडबैक के रिलेटेड, MTB के रिलेटेड, बताना कमेंट में, हम लोग लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पर ही खत्म करते हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का क्रेजी एंड मस्त ब्लॉग आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, इसको करना फॉलो एंड लाइक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।